Good morning, my dear students. From today, we are going to start our new series of Central Idea. आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं सेंट्रल आइडिया की, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त होंगे और साथ में उनका हिंदी अर्थ भी प्राप्त होगा। कोशिश करूंगा कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और एक्यूरेसी के साथ समझाने का। तो आज हमारा पहला जो सेंट्रल आइडिया है उसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। चलिए इसे शुरू करते हैं इसको। इन दिस डिडेक्टिक पोयम, डिडेक्टिक होता है शिक्षा से भरी हुई, शिक्षाप्रद। इस शिक्षाप्रद कविता में सर हेनरी वॉटन टेल्स अस, हमें ये बताते हैं हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ, कि हम एक प्रसन्नचित जीवन कैसे जिए। द फॉलोइंग क्वालिटी मेक अ मैन हैप्पी, और निम्न जो इसमें गुण बताए गए हैं वो एक व्यक्ति को प्रसन्नचित व्यक्ति बनाते हैं। ही शुड बी इंडिपेंडेंट, प्रसन्नचित व्यक्ति को यानी कि उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। ही हैज कंट्रोल्ड ऑल हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर्स सच एज एंगर, फियर, लव एंड हेट्रेड। कंट्रोल मींस होता है नियंत्रण करना। ही हैज कंट्रोल्ड, जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है उसका नियंत्रण होता है आल हिज, अपनी सभी स्ट्रॉन्ग डिजायर, अपनी मजबूत डिजायर इच्छाओं पर, सच एज, जैसे एंगर, क्रोध पर, फियर, डर पर, प्रेम पर, एंड हेट्रेड, अपनी घृणा पर। ये सारी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती हैं उन सभी पर एक प्रसन्नचित व्यक्ति का अधिकार होता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मृत्यु से नहीं डरता है। एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म होती है आलोचना, और वो लोगों की आलोचना से भी नहीं डरता। ही ओबेज द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, ओबेज आज्ञा मानना, कंसाइंस होती अंतरात्मा, वह अपनी वॉइस होती आवाज, वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। ही वर्क्स एज हिज कंसाइंस सेज, वह उसी तरह से काम करता है जैसी उसकी अंतरात्मा उसे करने को कहती है। ही इज नॉट जेलस ऑफ अदर्स प्रोग्रेस, जेलस होता है ईर्ष्या करना, प्रोग्रेस होती है उन्नति, दूसरों की उन्नति या प्रगति से वो ईर्ष्या नहीं करता है। ही फियर्स गॉड, वो ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति होता है। He prays to God in the day or at night whenever he finds time. He prays to God in the day. वह भगवान की प्रार्थना करता है in the day, या तो दिन में या रात में, whenever he finds time. जब भी उसे समय मिलता है वो ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता है। He passes his life in the company of good people. वह अपने समय को अच्छे लोगों की संगति में व्यतीत करता है। एंड स्टडीज गुड बुक्स, और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करता है। फॉर हिम जॉयज एंड सोरोज आर अलाइक, उसके लिए आनंद, प्रसन्नता या दुख, दुख सुख उसके लिए समान होते हैं, अलाइक होते हैं, अलाइक मतलब एक समान। कंटेंटमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कंटेंटमेंट होती है संतुष्टि या संतोष, सेल्फ रिस्पेक्ट को कहते हैं आत्मसम्मान। संतुष्टि और आत्मसम्मान आर द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। संतुष्टि और आत्मसम्मान एक प्रसन्नचित व्यक्ति के सबसे बड़े गुण होते हैं, सबसे महान गुण होते हैं। और ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि जो आपको ये सेंट्रल आइडिया बताए जा रहे हैं उनके आप अपने हाथों से अपने नोट्स बनाते जाएं, ये आपके एग्जाम टाइम पे बहुत काम आएंगे। थैंक यू।